वो खुल के सामने आए, तो एक टफ कंपटीशन था। आई गेस कि जजेस के लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा हम सब में से हीरा ढूंढना। परसोना के लिए क्या कहना चाहेंगे? परसोना के लिए मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू उनको बोलना चाहूंगी, स्पेशली करण सर, प्रियंका मैम, बबीता आंटी, एकदम फैमिली जैसा एटमॉस्फियर है। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि दैट वी आर अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली। एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फियर था। इनफैक्ट हमारे कंटेस्टेंट भी इतने हेल्पफुल थे, दे वर वेरी जेन्युइन। मतलब एक दूसरे को हेल्प करना और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये सब काफ़ी मतलब नॉर्मली एक घर के फैमिली जैसा ही एटमॉस्फियर था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम इम्तियाज को बता देते थे कि प्लीज़ हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें फुलफिल कर दो। श्रद्धा मैम वॉज ऑल्सो हेल्पफुल, उन्होंने मेकअप में भी थोड़ा सा हमें हेल्प किया। देन शानू वॉज देयर, सो एवरी इंडिविजुअल पर्सन आउट देयर वेरी हेल्पफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और मैं चाहूँगी कि परसोना का नाम ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और उनको एवरी ईयर अच्छे कंटेस्टेंट मिले और अच्छे विनर्स मिले। इसके आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा? इसके आगे का तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, बिकॉज मैं अपनी विनिंग सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ कि लाइक लियो मम्मा रॉक्ड एंड शी गॉट द क्राउन। सो मैं अभी मैंने उसको वीडियो कॉल पे नहीं दिखाया है क्राउन, बिकॉज मैं उसका लाइव एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।